हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस फॉर 25th of September 2023। तो शुरू करते हैं आज की एडिटोरियल एनालिसिस। आर्टिकल्स तो आज के ज़्यादा कुछ खास राय नहीं है, लेकिन फिर भी एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट एडिटोरियल इज पॉलिटिसाइजिंग एक्सचेंजेज, चाइनाज डिनाइल ऑफ एंट्री टू अरुणाचल एथलीट शोज अप द डिस्ट्रस्ट इन टाइज। तो बेसिकली इशू ये है कि जो चाइना ने जो अरुणाचल के जो तीन एथलीट थे, ठीक है ना, वुशू के प्लेयर थे बेसिकली, उनको जो है एंट्री अलाउ नहीं की, तो उनको बोर्ड नहीं करने दिया था एयर इंडिया की फ्लाइट पे, उसी के रिगार्डिंग ये है। तो द डिसीजन टू बार द एथलीट्स अपीयर्स पर्टिकुलरली विंडिकेटिव एज वीजाज वर नॉट नीडेड टू ट्रेवल फॉर एथलीट्स इशूड डिजिटल एक्रेडिटेशन। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जिन एथलीट्स को जो है डिजिटल एक्रेडिटेशन मिल चुका है, तो उनको वीजा की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए भी जो ये जो डिसीजन है कि एथलीट्स को जो है बोर्ड नहीं करने दिया है बोर्ड, वो एक तरह से वो बहुत गलत है। दूसरा ये भी बताया कि दिस इज नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ बीजिंग यूजिंग स्पोर्टिंग इवेंट दैट शुड हैव नो प्लेस फॉर पॉलिटिक्स टू स्कोर जियोपॉलिटिकल पॉइंट। जो ये जो एक तरह से एक्शन किया गया है कि आपने जियोपॉलिटिकल पॉइंट बनाने के लिए कि जो पॉलिटिकल एक्शन लिया है आपने कि स्पोर्टिंग इवेंट को आप यूज कर रहे हैं, ये पहला बार नहीं है। क्योंकि पहले भी जो है जब विंटर ओलंपिक्स हुए थे उसमें भी जो बीजिंग ने है इट इल एडवाइजली सेलेक्टेड द पीपल्स लिबरेशन आर्मीज कमांडर इन्वॉल्व्ड इन गलवान वैली क्लैश एज वन ऑफ द टॉर्च बियरर्स ऑफ द विंटर ओलंपिक्स। तो ये पहले भी कर चुका है इस तरह की एक्टिविटी जिससे जियोपॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए। फिर बियॉन्ड एशियन गेम्स अगर देखें तो द लेटेस्ट चाइनीज एक्शन सर्व्स एज ए रिमाइंडर ऑफ द करंट डिस्ट्रस्ट इन बायलेटरल रिलेशंस एज वेल एज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन टू डील विद लॉन्ग परसिस्टिंग थोन इशू इंक्लूडिंग वीजा। तो ये जो है ये जो लेटेस्ट एक्शन है कहीं ना कहीं ये रिमाइंड कर रहा है कि अभी भी जो बायलेटरल रिलेशंस इंडिया और चाइना के वो डिस्ट्रस्ट है, और जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, जो हमारा इश्यूज है वो अभी एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं। तो ऑथर ने भी कहा न्यू दिल्ली हैज करेक्टली मेड क्लियर दैट रिस्टोरिंग नॉर्मेलिटी इन रिलेशंस विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट कंप्लीटिंग द डिसएंगेजमेंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड रिस्टोरिंग पीस इन बॉर्डर एरियाज, ठीक है ना। तो ये वाली चीज है। उसके बाद आगे देखते हैं प्लेइंग टू द गैलरी, पार्लियामेंट शुड नॉट बी टर्न्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ वर्बल अब्यूज। तो ये जो अभी रिसेंट जो दो तीन इंसिडेंट पार्लियामेंट जो न्यू पार्लियामेंट में जो एक दो इंसिडेंट्स हुए हैं उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। वहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक एमपी ने दूसरे के अगेंस्ट जो है टॉक्सिक कम्युनल सिलर्स वो वर्ड्स जो है वो यूज किए थे, ठीक है ना। और फिर दूसरा इवेंट ये भी हुआ कि जो विजिटर्स थे गैलरी में दे रिपोर्टेडली रेड पॉलिटिकल स्लोगन्स, तो ए सिंगुलरली अनअप्रोप्रिएट मेथड ऑफ क्रेडिट अप्रोप्रिएशन। तो दोनों ही चीज़ें थोड़ी गलत जो हो गई, गलत वो सेट किया इन्होंने प्रेसिडेंट वो है। तो यहाँ पे ऑथर ने भी ये कहा कि द लोकसभा स्पीकर हु हैज इन द पास्ट सस्पेंडेड ऑपोजिशन मेंबर्स ऑन चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू टेक अ मोर सीरियस व्यू ऑफ दिस इंसिडेंट एंड सेट आउट एन एग्जाम्पल मेकिंग इट क्लियर दैट हाउस कैन नॉट कंडोन कम्युनल सिलर्स अगेंस्ट एनी वन एंड सर्टेनली नॉट अ मेंबर। तो मतलब लोकसभा में जो ये हुआ है कि जो कम्युनल जो अब्यूज किया गया है या कम्युनल सिलर्स जो हल किए गए हैं उसके अगेंस्ट जो है स्पीकर जो है वो एक्शन लेंगे। और वहीं राज्यसभा की अगर बात करें तो सेवरल अपोजिशन लीडर्स हैव रिटन टू राज्यसभा चेयरमैन रिगार्डिंग स्लोगनेरिंग फ्रॉम द विजिटर्स गैलरी। उसके लिए भी लिखा है दैट एपिसोड टू कॉल्स फॉर एग्जाम्पलरी प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। तो फाइनली ऑथर ने यही कंक्लूड किया था न्यू बिल्डिंग मस्ट फोस्टर हेल्दी डायलॉग अमंग मेंबर्स एंड बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड द पीपल, की जो जिस चीज़ के लिए फॉरम बना हुआ है जिस चीज़ के लिए वो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे वही होना चाहिए, हेल्दी डायलॉग होना चाहिए मेंबर्स के बीच में, इंस्टीट्यूशन और पीपल के बीच में भी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज साइमल्टेनियस पोल्स बट ओनली इन अ प्रेजिडेंशियल सिस्टम। तो यहाँ पे बेसिकली ऑथर ने ये बोला है कि जो हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, साइमल्टेनियस पोल की बात करें स्टेट और लोकसभा के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के लिए, वो केवल तभी पॉसिबल है जब आप प्रेजिडेंशियल सिस्टम की बात करें। अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम की आप बात करें तो उसके लिए एक तरह से पॉसिबिलिटीज कम नज़र आती हैं। तो पहला तो ऑथर ने यहाँ पे जो बताया वो ऑप्शन वो ये बताया कि जो पहला ये है मेजोरिटी वाला कि अगर आपको वन साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने हैं तो आपको यानी कि मिड टर्म में जो स्प्लिट्स होते हैं, ठीक है ना, उनको आपको वो कहीं ना कहीं उसमें एक तरह से हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि
मेजोरिटी जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है वही कहता है कि जब तक कॉन्फिडेंस है तब तक जो है वो मेजोरिटी गवर्नमेंट जो है वो पावर में रहेगी, लेकिन जैसे ही कॉन्फिडेंस गया है जो मेजोरिटी जो है वो अगर स्प्लिट होती है तो जो है वो रूल नहीं कर सकती है। तो मेजोरिटी ऑथर नहीं कहा कि मिड टर्म में भी जो है वो टूट सकते हैं, चाहे आप स्प्लिट मान लीजिए पार्टीज में हो जाता है, डिफेक्शंस हो सकते हैं, या फिर कुछ जो मेंबर्स है रूलिंग पार्टी वो रिफ्यूज कर देते हैं गवर्नमेंट को सपोर्ट करने से। तो मतलब अगर मिड टर्म में कभी मेजोरिटी टूटती है तो जो गवर्नमेंट फॉल हो जाएगी और जाहिर सी बात है फिर आपको मिड टर्म इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो इसके लिए ऑथर ने क्या कहा, ऑथर ने कहा देयर इज ओनली ऑप्शन वुड बी टू आइदर कंटिन्यू विद द माइनॉरिटी गवर्नमेंट हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हु हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस और टू इम्पोज प्रेजिडेंट रूल फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म। या तो आपको माइनॉरिटी गवर्नमेंट से ही कराना पड़ेगा काम, या फिर आपको प्रेजिडेंट रूल जो है वो उसमें कराना मतलब इम्पोज करना पड़ेगा। और जो एसेंस है डेमोक्रेसी का पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो कहीं ना कहीं इन दोनों ही चीजों से जो है वो डिफीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑथर ने अपना व्यू दिया कि वन नेशन वन पोल इज पॉसिबल ओनली इफ दिस स्विच टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द गवर्नमेंट इज रन बाय अ डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट अ गवर्नर हु डज नॉट नीड टू एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द हाउस। ये केवल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही जो है ये पॉसिबल है, जहाँ पे जो प्रेसिडेंट या गवर्नर है उसको कॉन्फिडेंस या मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती है हाउस की, ठीक है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बोला है जो है कि क्या ये जो मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ऑथर ने बोला कि कुछ लोग ये जरूर मानते हैं, सम पीपल फील दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि डिबेट्स अगर देखें तो उसमें भी दोनों चीजों पे बात हुई थी कि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म यूज करेंगे या फिर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म यूज करेंगे। तो वहां पे हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है वो चूज की थी कंसिडरिंग द डाइवर्सिटी डाइवर्स नेचर ऑफ इंडिया, ठीक है ना, डाइवर्स कंट्री के हिसाब से जो हमने चूज किया था। लेकिन ऑथर ने ये कहा कि उनके हिसाब से ये नहीं है कि सिर्फ पार्लियामेंट्री फॉर्म ही जो है वो हो सकती है डेमोक्रेटिक, इवन प्रेसिडेंशियल फॉर्म भी डेमोक्रेटिक हो सकते हैं। तो उसको उन्होंने बोला कि ऑथर के हिसाब से ऑथर बोला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होना चाहिए। नीड फॉर सम अमेंडमेंट, ये आपको ध्यान रखना है के लिए कि अगर आपको वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन या क्या क्या प्रोविजन जो है आपको वो अमेंड करने पड़ेंगे जब आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे बेसिकली आना है। अगर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जाना है तो आपको किन किन चीज़ों में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पार्ट फिफ्थ में करना पड़ेगा जो कि यूनियन चैप्टर वन एग्जीक्यूटिव है, उसमें आर्टिकल 52 से 78 में आते हैं। फिर चैप्टर थर्ड जो कि लेजिस्लेटिव पावर्स है प्रेजिडेंट की, उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर पार्ट सिक्स द स्टेट्स चैप्टर सेकेंड में आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर द एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना, और आर्टिकल ये 153 167 तक है पार्ट सिक्स के स्टेट्स वाले पार्ट जो है ये, और उसमें चैप्टर सेकंड जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। और फिर चैप्टर फोर्थ जो कि लेजिस्लेटिव पावर है गवर्नर की, आपको उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ये पार्ट्स हैं जो जो चेंज करने पड़ेंगे आपको अगर आप पार्लियामेंट्री फॉर्म से प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। फिर ऑथर ने ये भी कहा कि सम पीपल ऑल्सो फील दैट द प्रेसिडेंशियल सिस्टम कुड बी एंटीथेटिकल टू ए फेडरल कंट्री बट दैट इज नॉट द केस आइदर, कि कुछ लोग ये हैं फेडरल कंट्री के एंटीथेटिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यूएस में अगर आप देखें तो वो भी एक फेडरल कंट्री है और वहाँ पे जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ स्टेट है, वहाँ पे स्टेट जो है वो बहुत सारी पावर्स एंजॉय करती हैं इवन हैविंग प्रेसिडेंशियल फॉर्म, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है क्योंकि उतने क्या है कि जो टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है जैसे कि म्यूनिसपैलिटीज या पंचायत है विल नॉट डिपेंड ऑन वेदर द सिस्टम इज प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सिस्टम पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल है, पावर शेयरिंग जो है वो अलग तरीका, आप उनको पावर दे सकते हैं इवन इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म। फिर ऑथर ने कहा कि आर्टिकल 172(1) का भी यहाँ पे जिक्र किया, विच स्टेट दैट अ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड शैल कंटिन्यू फॉर 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर एंड एक्सपायरेशन ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 5 years शैल ऑपरेट एज ए डिसॉल्यूशन ऑफ द असेंबली। ये कहीं ना कहीं जो डिसॉल्यूशन की बात करें कि उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा जाए तो आप 5 साल से के बाद जो है एक तरह से वो डिसॉल्यूशन हो जाएगा उसका ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। 5 साल तक ही जो है कंटिन्यू करेगी, उससे पहले आप उसको जो है डिसॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। मतलब जब तक वो पहले डिसॉल्व नहीं कर जाती है तो तब तक वो 5 साल के लिए रहेगी, और 5 साल के बाद जो है या एक्सपायरेशन हो जाए जब ये 5 साल का पीरियड, तो अपने आप जो डिसॉल्यूशन उसका असेंबली का मान लिया जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी बोला है, क्योंकि अगर आप मतलब अगर जो रूलिंग पार्टी है वो सिर्फ इलेक्शंस को देख के ये सोच रही है कि जो इलेक्शंस है उनको किसी तरह से पोस्टपोन किया जाए 5 स्टेट्स जो होने वाले हैं उनमें इससे पहले जनरल इलेक्शन से पहले, तो वो भी कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल 172(1) वाला जो
प्रोविजन आ जाता है, क्लोज आ जाता है, वो भी कहीं ना कहीं इसको रोकेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज एन इकोनॉमिक कॉरिडोर द इजराइल लिंक एंड द जियोपॉलिटिक्स। तो बेसिकली जो अभी जो ये मिडिल ईस्ट वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया गया है उसके रिगार्डिंग उसने यहाँ पे थोड़ा सा बताया है। इसराइल इज द वीक लिंक इन द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लान, ठीक है ना। तो ज़्यादा बात नहीं किए। द बोल्डेस्ट आउटकम एंड अनएंटिसिपेटेड बाय मेनी वाज द अनाउंसमेंट ऑफ द इकोनॉमिक कॉरिडोर द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। बहुत सारे G20 में हमारे आउटकम्स आए, दिल्ली डिक्लेरेशन आया, यूनैनिमस हम स्टेटमेंट जो है वो दे पाए, ठीक है ना। बायोफ्यूल अलायंस की बात हुई, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन की बात हुई, ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। और उसमें एक जो अनाउंसमेंट बोल्डेस्ट आया वो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का आया, जहाँ पे हम रेल और शिप रूट जो है वो डेवलप करने की बात करी है टू ट्रांसपोर्ट गुड्स टू यूरोप फ्रॉम इंडिया वाय द यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल के थ्रू। सच एज प्रोजेक्ट विल चेंज द जियोपॉलिटिक्स फॉर द फ्यूचर। और इससे जियोपॉलिटिक्स पे तो फर्क पड़ने ही वाला है, क्योंकि पहली बात तो है कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहीं ना कहीं उसको चैलेंज कर रहा है, ठीक है ना। फिर जो US प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने इसको बोला है ए रियल बिग डील विच इज ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर ऑल दोज इन्वॉल्वड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। और जो इसराइल क्योंकि इसका पार्ट होने वाला है, हालांकि यही किया गया कि इसराइल इस G20 समिट में था भी नहीं, उसके बावजूद इसराइल इसका पार्ट है, तो ऐसा ये जो इसकी स्टेट जो इसको अनाउंस किया गया था वो ऐसे टाइम पे क्यों गया, ये भी एक तरह से देखा जा रहा है ए पुश फॉर पीस। फिर उतने भी थोड़ा सा जो सऊदी अरेबिया और जो इसराइल के बीच जो एग्रीमेंट चल रहा है उस पर ऊपर बात चले कि ये जब ये जो वेस्ट एशिया ये जो कॉरिडोर की हम बात करें तब तक नहीं हो जाएगा जब तक कि जो सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच जो है वो उनके बीच एक तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाता है, ठीक है ना। सऊदी अरेबिया विलिंग है डिप्लोमेटिक जो बॉयकॉट चल रहा है इसराइल का उसके लिए। सऊदीज डिमांड दैट इसराइल कमिट्स टू द टू स्टेट सॉल्यूशन एंड द वेलबींग ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल इवन द ऑक्यूपेशन डज नॉट एंड सून। वही बात है कि सऊदी ने थोड़ा सा दिखाया कि आप इसराइल जो कमिट करें दो स्टेट के सॉल्यूशन पे। करंटली ऑन द साइडलाइंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सऊदी अरेबिया इन पार्टनरशिप विद द अरब लीग एंड यूरोपियन यूनियन हैज जॉइंट फोर्सेज विद इजिप्ट एंड जॉर्डन टू लॉन्च ए पीस डे एफर्ट एम्ड एट इंसेंटिवाइजिंग इसराइलीज एंड पैलेस्टीनियन लीडर्स टू कॉम्प्रोमाइज। ऐसी बात दोनों में कॉम्प्रोमाइज करने की ये एफर्ट सऊदी अरेबिया कर रहा है। सऊदी अरेबिया इज अवेयर ऑफ इट एंड इज स्टिल इंटरेस्टेड इन हैविंग डेलिब्रेशंस टू वॉक स्मूथली अमंग अरब्स एंड अदर मुस्लिम्स व्हाइल वर्किंग विद द बिदन एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक पीस विद द स्टेट ऑफ इसराइल। दोनों तरफ से ही वो एक तरह से सऊदी एफर्ट्स कर रहा है। द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर विल हैव टू वेट अंटिल दिस हैपेंस। और जब तक ये कॉम्प्रोमाइज नहीं आ जाता है, पीस नहीं आ जाता है इसराइल के साथ, तब तक जो है इस कॉरिडोर को वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। दिस इज इट टेकिंग इंडिया बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। तो जो रिजर्वेशन बिल आया उसके रिगार्डिंग बोला कि उसने एक चीज को और जो लाइट में लेके आया है ये रिजर्वेशन बिल जो आया है वो ये लाया है इट सेट द स्पॉटलाइट ऑन द अनदर क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दैट इज द डिलिमिटेशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और इसकी डेफिनेशंस को आप याद रखें प्री और मेंस दोनों के लिए। डिलिमिटेशन क्या होते हैं? द एक्सरसाइज ऑफ कार्विंग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड फिक्सिंग देयर बाउंड्रीज इज रेफर्ड टू एज डिलिमिटेशन। जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनकी बाउंड्री तय करना और ठीक है ना उनके नंबर्स को तय करना ये डिलिमिटेशन का ये दोनों का यही मतलब दोनों ये उसी का पार्ट है। 1970 से देखें तो जो नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये भी आप तरीके लिए याद रखें कि 1970 के बाद जो है वो कोई चेंज नहीं आया है। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 का उसने डिलिमिटेशन को जो है फिरोज कर दिया था लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी को एज पर 1971 सेंसस के हिसाब से। और ये कब तक के लिए किया था? अप टू द सेंसस विच वॉज टू बी कंडक्टेड इन 2001 तक के लिए इसको फ्रीज कर दिया था। उसके बाद 2001 में जो है फर्दर इसको जो है पुश कर दिया गया और 2026 तक के लिए जो है इसको वो पोस्टपोन कर दिया गया था। दिस वॉज डन थ्रू एन अमेंडमेंट आर्टिकल 82 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट 84th अमेंडमेंट एक्ट। 84th अमेंडमेंट एक्ट लेके आए और 82nd जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें अमेंडमेंट करके इसको फर्दर जो है 2026 के तक के लिए जो है वो फ्रोज कर दिया। मतलब 2026 के बाद जो भी सेंसस होना है जो कि होना था 2031 में, ठीक है ना। तो उसके बाद जो भी 2031 के बाद जो है बेसिकली डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो बाउंड्री नंबर ऑफ सीट्स जो है वो सेट करने वाला था। लेकिन जो बाउंड्रीज थी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की उनको रीड्रोन किया गया था 2002 में। तो ये आपको याद रखना है कि अगर ऐसा स्टेटमेंट कि बाउंड्रीज को भी फ्रोज कर दिया तो नहीं, बाउंड्रीज को रीड्रोन किया गया था 2002 में 2001 के सेंसस अकॉर्डिंग। देयर वॉज नो चेंज इन द नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा। लेकिन लोकसभा की सीट्स में कोई चेंज नहीं किया गया था, ठीक है ना।
ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन रहा है जो कल भी हमने बताया था कि 2031 के सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो सीट्स को जो है वो सेट करने वाला है, ठीक है ना। डिलिमिटेशन जो फ्रोज किया गया उसका बेसिकली जो एंटिसिपेशन जो एप्रीहेंशन था वो ये था कि जो सदर्न स्टेट थी वो इसका विरोध कर रही थी क्योंकि उनको नुकसान होने वाला था, उनके जो पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स थे वो कहीं ना कहीं वो उनको रोक देते और वो ना रुके, इसलिए उसको बेसिकली फ्रोज किया गया था। और उसने बताया है द सदर्न स्टेट्स रन द रिस्क ऑफ लूजिंग सम ऑफ देयर सीट्स इन पार्लियामेंट वंस द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीटेड बेस्ड ऑन करंट पॉपुलेशन फिगर्स। और अगर करंट पॉपुलेशन फिगर्स के हिसाब से भी अगर आप डिलिमिटेशन करते हैं या सीट्स के नंबर सेट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सदर्न स्टेट जो है वो लॉस करने वाले हैं, नॉर्दर्न स्टेट जो है इससे फायदा मिलने वाला है। द फ्रीज इन 1976 वाज नेसेसिटेटेड बाय स्टेट्स एप्रिहेंशंस एम्बेडेड इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स एंड वाइडली डिफरिंग फर्टिलिटी रेट्स। वही चीज जो मैंने बताई, एक तो जो उनके पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स के जो कर रहे थे वो और दूसरा जो जो डिफरेंस था फर्टिलिटी रेट्स में उसको चलते जो है उसको फ्रोज किया गया था। सच कंसर्न होल्ड गुड इवन टूडे, लेकिन वही कंसर्न आज भी जो है उतने ही वैलिड हैं, उतने ही अब भी कंसर्न हैं। तो कुछ कई सारे क्वेश्चन जो है वो उठते हैं जो हम ये डिलिमिटेशन को जो हम पोस्टपोन कर रहे हैं या जो डिलिमिटेशन होने वाला है उससे। तो पहला क्वेश्चन ये है मोर लॉजिस्टिकल देन एनीथिंग एल्स इज वेयर शुड द पॉपुलेशन फिगर्स कम फ्रॉम टू इन्फॉर्म द एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन, कि डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास पॉपुलेशन का जो डाटा आने वाला है, पॉपुलेशन के फिगर्स हैं वो आप किससे लेने वाले हैं, क्योंकि 2021 वाला सेंसस तो है वो जो आपने पुश कर दिया है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से और दो उसको बोला है कि 2024 के लोकसभा पोल्स के बाद होगा। तो अगर मान लो नेक्स्ट सेंसस जो एक्चुअली कंडक्ट होना था 2031 में जबकि ये ड्यू है, तो पॉपुलेशन फिगर जो है 1971 से अगर हम देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो सीट का होगा वो लगभग मोर देन हाफ ए सेंचुरी 50 साल के लगभग बाद इसका जो वो मतलब ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यानी कि उसके बाद काफी सारा चेंज हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन ऑथर ने आपको बताया वो है द क्वालिटेटिव कंसर्न्स दैट विल डिटरमिन हाउ बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री विल बी रीड्रॉन, कि किस तरीके से बाउंड्रीज जो है वो रीड्रॉन की जाएंगी। क्वालिटेटिव कंसर्न्स को भी दूसरा जो है वो ऑथर ने बताया बिसाइड कंसर्न्स एंड रिप्रेजेंटेशन दिस विल ऑल्सो लीड टू डिस्ट्रस्ट ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट इन द साउथ, कि कहीं ना कहीं जो साउथ में स्टेट्स हैं उनका डिस्ट्रस्ट जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि उनकी सीट्स जो है वो कम होने वाली हैं अगर प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट या फिर जो नेक्स्ट सेंसस आने वाले उसके हिसाब से देखें। तो द रिसेंटली कंक्लूडेड डिलिमिटेशन एसम आइड ऑफ 2024 असेंबली इलेक्शंस विटनेस वाइड स्प्रेड कंसर्न्स अराउंड हाउ ऑल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स एंड रीनेमिंग सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैन हैव अ पोटेंशियली एक्यूट इंपैक्ट ऑन द रिप्रेजेंटेटिव स्पेसिफिक कमिटीज। ये चीज हम वहां से भी देख सकते हैं जो असम में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई है अहेड ऑफ 2024 असेंबली इलेक्शन, वहां पे बहुत सारी कंसर्न्स हुई है, कुछ बाउंड्रीज के जो है डिस्ट्रिक्ट्स के जो है वो नाम भी चेंज कर दिए, कुछ की बाउंड्री चेंज की गई है और वहां पे जो रिप्रेजेंटेशन स्पेसिफिक कम्युनिटीज का वो भी ऑल्टर हुआ है। तो उससे जो है एक तरह से अफेक्ट या उसके इम्पैक्ट देखने को मिले हैं, ठीक है ना। तो हमें जरूरत यह है कि टू स्टार्ट ए रोबस्ट कन्वर्सेशन अराउंड द डिलिमिटेशन सूनर देन लेटर, कि हमें जल्दी से जल्दी जो डिलिमिटेशन अराउंड जो भी कन्वर्सेशन वो शुरू कर देनी चाहिए सो दैट लिफ्टिंग ऑफ द फ्रीज ऑन एलोकेशन लोकसभा सीट डज नॉट हैव टू पुश अहेड फर्दर, ताकि जो ये जो फ्रीज लगा हुआ वो और ज्यादा आगे ना बढ़े, ठीक है ना। इंडियंस फॉर्म ए बिग चंक ऑफ डायस्पोरा इन कनाडा, तो डाटा पॉइंट में आज ये बताया कि जो मेजोरिटी इमिग्रेंट्स है, फॉरन स्टूडेंट्स है और वर्कर्स है कनाडा में वो इंडियंस है। तो यहाँ पे यही डाटा बताया गया है क्योंकि कनाडा का जो वीजा वाला इशू है वो काफी उसमें है। तो पीपल हु आइडेंटिफाइड पंजाबी एज देयर एथनिक और कल्चरल ओरिजिन ड्यूरिंग द 2021 कैनेडियन सेंसस फॉर्म्ड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियंस इन कनाडा, तो सबसे ज्यादा शेयर जो इंडियंस का कनाडा में वो एथनिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो पंजाबी हैं, उसके बाद तमिलियंस हैं और उसके बाद गुजराती और उसके बाद बंगाली हैं। तो एक तो ये आपको याद रखना है। फिर अगर देखें तो 30% ऑफ द पंजाबी जो कनाडा में है बिलोंग टू सेकंड और थर्ड जनरेशन को बिलोंग करते हैं, और सेकंड और थर्ड जनरेशन का मतलब है पर्सन नॉट बोर्न आउटसाइड कनाडा, मतलब वो कनाडा में ही बोर्न हुए हैं अगर सेकंड थर्ड जनरेशन की हम बात कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट ये भी है कि 30% वो कनाडा बोर्न ही है इनमें से, ठीक है ना। इंडियंस फॉर्म द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इमिग्रेंट्स फॉरन स्टूडेंट्स फॉरन वर्कर्स एंड अदर ग्रुप्स इन कनाडा, ये हम ऊपर बात कर चुके हैं। इंडिया ने ओवरटूक किया चाइना को और फिलीपींस को भी टू फॉर्म द हाईएस्ट शेयर ऑफ इमिग्रेंट्स इन कनाडा 2016-2021 के पीरियड में अगर देखें तो इंडिया ने चाइना और फिलीपींस को ओवरटूक कर दिया है। वहीं पे हाईएस्ट नंबर देखें एप्लीकेशन जो रिसीव हुए परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कनाडा में बिटवीन जनवरी 2020 और जुलाई 2023 वो भी जो इंडियन से आई है 4.6 लाख एप्लीकेशन मिली है, उसके बाद चाइना का नंबर आता है 1.05 लाख एप्लीकेशन आई है। तीसरा चार्ट जो है वो ये दिया कि इंडियंस ने ही सबसे ज्यादा जो है नंबर ऑफ एप्लीकेशन फाइल किए हैं 8.7 लाख ऑफ न्यू स्टडी परमिट एप्लीकेशन टू कनाडा
इन द सेम पीरियड। उसके बाद नाइजीरियंस का नंबर आता है 1.2 लाख, तो इसमें भी इंडियन सबसे ज्यादा है जो स्टडी के लिए जो परमिट एप्लीकेशन है। फिर जो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम का वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन देखें, होल्डर्स देखें, तो वो भी इंडियंस ही है। कनाडा में 5.4 लाख इंडियंस है। उसके बाद यूक्रेनियंस का नंबर आता है 1.5 लाख के साथ, ठीक है ना। तो ये सारा ही है। और अगर हम ट्रेड की बात करें तो कनाडा इंपोर्ट करता है लगभग $1.7 बिलियन वर्थ के जो मेडिकामेंट्स इंडिया से जो है वो उन्होंने 2018 से 2022 के पीरियड में जो है इंपोर्ट किए हैं। और कनाडा के जो इंपोर्ट करता है आइटम्स वो डायमंड है, उसमें ज्वेलरी है और लिनन प्रोडक्ट्स हैं, वो ज़्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया से। वहीं इंडिया कर देखें तो इंडिया ने जो $3.6 बिलियन का जो है वर्थ ऑफ कॉल जो है वो कनाडा से इंपोर्ट की है। लेकिन जो इंडिया का टोटल कॉल इंपोर्ट का शेयर है वो कनाडा का शेयर केवल 2.6% है। वहीं पे अगर हम इंपोर्ट इंडिया के शेयर की बात करें, जो कनाडा इंपोर्ट करता था मेडिकामेंट्स, वो उसका शेयर है 4%, ठीक है ना। इंडिया बेसिकली और क्या क्या इंपोर्ट करता है, फर्टिलाइजर्स, लेग्यूमिनस वेजिटेबल्स, न्यूज प्रिंट, यूरेनियम, थोरियम और ये जो है और आइटम्स है कुछ जो कि इंपोर्ट करते हैं हम हैविली कनाडा से, ठीक है ना। फुकुशिमा न्यूक्लियर वेस्ट वाटर कॉन्ट्रोवर्सी, तो बेसिकली जो अप्रैल 13, 2021 को जापान ने, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था प्लान्स टू रिलीज ओवर 1 मिलियन टन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर फ्रॉम द फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट इनटू द सी ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर। तो फुकुशिमा प्लांट सबको याद होगा, यहाँ पे जो अर्थक्वेक की वजह से इसमें जो है लीकेज हुआ था, ये एक तरह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ था, और जिसकी वजह से न्यूक्लियर जो फ्यूल, न्यूक्लियर जो वेस्ट था उसका कंटामिनेशन, रेडियोएक्टिव कंटामिनेशन जो है देखने को मिला था। तो जो अप्रैल 23, 2021 को 2011 में इंसिडेंट हुआ था, 10 साल बाद जो है जापान ने अनाउंस किया था कि वो जो है जो 1 मिलियन टन जो कंटामिनेटेड वाटर है उसको रिलीज करेगा धीरे धीरे अगले 30 सालों के लिए, ठीक है ना। तो लास्ट मंथ जो है स्ट्रॉन्ग बैकलैश के बाद जो है नेबरिंग कंट्री और पब्लिक के बाद भी जापान ने रिलीज करना शुरू किया था कंटामिनेटेड वाटर फ्रॉम द फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट इनटू द सी। तो ये चीज होनी शुरू हुई थी। तो वाटर को ट्रीट कौन कर रहा है, तो यहाँ पे जो टैपको एक कंपनी है, ठीक है ना, टोक्यो, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए एक बार, हाँ, टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है टैपको, जापान की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक यूटिलिटी फर्म है। इसने जो बेसिकली जो है ये इसको काम दिया गया था डीकमिशनिंग द फुकुशिमा दाइची पावर प्लांट को, और उसका जो वेस्ट है उसको मैनेज करने का इसको काम दिया गया था 2011 से। द वाटर हैज बीन ट्रीटेड विद मल्टीपल टेक्निक्स, कई टेक्निक्स के जो इसको ट्रीटमेंट किया गया है, उसमें से एक दो आप याद रखें, एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम ALPS, जो कि लगभग 62 टाइप के जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं उनको रिमूव करता है। की फैक्टर फॉर जापान इन मेंटेनिंग रिलेशंस विद साउथ कोरिया इन पर्टिकुलर हैज बीन ट्रांसपेरेंसी ओवर द ट्रीटमेंट एंड रिलीज प्रोसेस। तो साउथ कोरिया के बहुत से जो पब्लिक है वो उसमें कंसर्न जता रही है कि वो मना कर रहे हैं कि वो सी फूड का बैन कर रहे हैं, कि सी फूड जो है उन्होंने बैन कर दिया जापान से जो भी आ रही है, और वो इसका जो विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे ये है कि जो साउथ कोरिया जो रिलेशंस मेंटेन करने के लिए वो ये है कि वो ट्रांसपेरेंसी दिखाई है जापान ने उसके साथ, और ट्रीटमेंट प्रोसेस जो रिलीज कर रहे हैं या ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें भी उसने ट्रांसपेरेंसी दिखाई, ताकि साउथ कोरिया गवर्नमेंट का जो है ट्रस्ट बिल्ड हो सके, साउथ कोरियन जो पीपल है उनका भी ट्रस्ट बिल्ड रहे। साउथ कोरिया गवर्नमेंट फॉलोइंग रिपीटेड कंसोलेशन बाय द IAEA हैज टोल्ड पीपल दैट द वाटर एंड द सी फूड इज सेफ, ठीक है ना, उसके चलते ये हुआ है, ठीक है। फिर वाटर सेफ है नहीं है, तो यहाँ पे जो MV रमना है, प्रोफेसर एंड साइमन शेन, डिपार्टमेंट ग्लोबल एंड ह्यूमन सिक्योरिटी स्कूल फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड ग्लोबल अफेयर्स यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, उन्होंने बोला है कि देयर इज एविडेंस शोइंग दैट एक्सपोजर टू रेडिएशन इवन एट लो लेवल्स कैन हार्म द हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड द एनवायरमेंट। तो ये तो है कि कहीं ना कहीं चाहे लो लेवल पे भी रेडिएशन है वो हार्म तो करेगी हेल्थ को, ह्यूमन्स की भी और एनवायरमेंट को भी। और क्योंकि ट्रीटेटेड वाटर जो है ट्रीटियम इसमें होता है, कैन पास थ्रू द प्लेसेंटा, इट कुड लीड टू डेवलपमेंटल इफेक्ट्स इन बेबीज व्हेन इंजेस्टेड बाय प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये भी आप प्री के लिए ध्यान रखेंगे कि वो प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी अफेक्ट करेगा। तो दिस इज लास्ट और देख लेते हैं, हाउ द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एथनिक इंडियंस कॉजेस फ्रिक्शंस इन इंडिया कनाडा टाइज, किस तरह से जो इंडिया कनाडा टाइज में होना है। तो यहाँ पे बेसिकली दो ही बात याद रखनी है आपको, एक तो ये कि इंडियन डिप्लोमेट्स हैव द ऑब्लिगेशन टू हाईलाइट द डैमेज टू बायलेटरल टाइज व्हेन कैनेडियन पॉलिटिशियंस सपोर्ट सेपरेटिज्म इन इंडिया। अगर कैनेडियन पॉलिटिशियंस सपोर्ट करेंगे इंडिया में सेपरेटिज्म को, तो ये जिम्मेदारी बनती है डिप्लोमेट्स की कि वो जो डैमेज हो रहा है बायलेटरल टाइज में इंडिया और कैनेडा की, उसको वो हाईलाइट करें, उसको वो जो ग्लोबल लेवल है उस पर वो लेके आए। दीज डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज इंटरफेरेंस कनाडा इंटरनल अफेयर्स। और जिसको जो कनाडा ने एलिगेशन लगाया कि इंटरफेरेंस कर रहा है कनाडा के इंटरनल अफेयर्स, वो बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो इमेज को टार्निश किया जा रहा है या डैमेज किया जा रहा है बायलेटरल, उसको एड्रेस करना
बिल्कुल इंडियन डिप्लोमेट्स की जिम्मेदारी है, तो ग्लोबल वर्ल्ड को ये समझाना जो है ये भी जरूरी है। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन, होप आपको ये सारा अच्छा लगा होगा। तो इसके साथ जो है हम आज का डिस्कशन खत्म करते हैं, तो थैंक यू।